यार देखें कैसी कैसी बातें करती हूँ, मजाक कर रहा हूँ आपको, मजाक कर रहा हूँ, हर चीज तो आप बनाती हूँ, खिलाती हूँ मैं। हाँ ये बात वालेकुम, वेलकम बैक हीपर्स व्लॉग, होप यू आर गाइज डूइंग वेल। तो भाई मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता, फ़हीम अभी सो रहे हैं और मैं पहले ही रेडी हो गई, तो मैं नाश्ता बनाऊंगी। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से मैं यहीं पे स्टार्ट ले लूँ, तो फ़हीम को नहीं दिखाऊंगी, पहले भी उन्हें गुस्सा आ गया था कि मैं सो रहा था और आपने मेरा व्लॉग बना लिया। बट रियलिटी है, रियलिटी इज़ रियलिटी, तो ये व्लॉगिंग है, कोई ड्रामा नहीं है, बट ये रियलिटी है। बट कोई बात नहीं, तो उनको मैं नाश्ता के लिए बनाती हूँ, उनको उठाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अलाया भी नहीं है तो मैं और फ़हीम अकेले नाश्ता करेंगे, एंड अलाया आएगी तो उससे भी आप लोगों को मिलवाएंगे, अलाया पढ़ने गई हुई है। तो बनाते हैं नाश्ता और उठाते हैं फ़हीम को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। और गाइस आज का हम दिखा रहे हैं आपको नाश्ता, जो हमने समझ लें कल रात को, आज का दिन देख सकते हैं मेरा पराठा आ गया, ये हिबा का पराठा है। आपसे बात A few moments later. One hour later. तो भैया आज शाम के चाय के साथ मैंने टोस्ट बनाई है, और टोस्ट पे मैंने लगाई है क्रीम, वीपी की क्रीम लगाई है मैंने इस पे, एंड इस पे ये क्रीम लगा के यहाँ चाय और टोस्ट तैयार है हमारी चाय के साथ खाने के लिए। कुछ नहीं मम्मा, आपने तो इतने अच्छे बाल बनाए मेरे, अच्छे लग रहे हैं। दिखाओ, ये देखे मैंने लाया के बाल बनाए, अच्छे लग रहे हैं भाई। मैंने यहाँ पर क्रम्स बनाने के लिए ब्रेड सुखाई है, इसके ऊपर नेट टाइप का दुपट्टा मैंने डाला, और यहाँ मैं ना मैंने ब्रेड सुखाए हुए हैं यहाँ पे, जो जब ये सूख जाएंगी तो मैं क्रम्स बनाऊँगी। गाइस मैं आ गया ईशा की नमाज़ पढ़ के, और अब देखते हैं इन्होंने आज क्या बना रही है। भाई आज क्या बना रही है, खाने में खाना बन गया, क्या बन रहा है? दाल चावल। दाल चावल, तो भाई आज देखें दाल चावल बन रहे, तो दाल चावल आप बना रही है भाई, और क्या क्या बना रही दाल चावल में? मुझे कुछ और खुशबू भी आ रही है। हाँ तभी बोलो, कुछ अलग से बॉयल हो रहा है गोश्त भी, और उसमें कुछ अजीब, मतलब एक अच्छी खुशबू आ रही है, अजीब सी। नहीं सॉरी, कब खाना है आपको? अभी तो बना रही हूँ, अब दाल चावल और सलाद वगैरह। तो दाल चावल के साथ आपको पता है मैं सलाद, अचार, हाँ चटनी। अचार? अचार खाते हैं आप? नहीं कभी कभी, मतलब सब कुछ चाहिए। तो मतलब यार या क्या मतलब है यार, दाल चावल का अचार होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, सलाद होनी चाहिए, तो ही मजा आता है ना। सब चीज तो बनाती हूँ मैं, बनाती तो, मतलब बाद ऐसा होता कभी नहीं बना पाती सलाद, और मतलब चटनी बनाती आप, छेड़ो मजाक करो, मजाक क्या खाना है ये, मैं मजाक कर रहा हूँ, हर चीज होती है। यार देखें कैसी कैसी बातें करती हूँ, मजाक कर रहा हूँ आपको, मजाक कर रहा हूँ, हर चीज तो आप बनाती हो, खिलाती हूँ मैं। हाँ ये बात तो है, इतनी अच्छी आपको शेफ मिली हुई, इतने मजे मजे के खाने खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, इतनी अच्छी आपको शेफ मिली हुई, इतने मजे मजे के खाने खाते हैं आप। सन्नाटा क्यों अलाया, सो रही क्या यार, टीवी देख रही है, देख के आते हैं जरा। तो चले यार देखते हैं अलाया को, क्या लाया मुझसे कह रही थी बाबा नमाज पढ़ के, जरूरत नहीं है लाया को देखने की, सॉरी लाया। वाह ये मतलब आपको नाराज किस बात पे हो रही है भाई? तो नाराज होने वाली बात है तो नाराज होगी ना, मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था ना, मैं मजाक करने की आपको जरूरत नहीं। अच्छा चलो, वो कह रही थी मुझसे बाबा कि मैं जो ना मतलब नमाज पढ़ के आएंगे ना,
तो फिर हम लोग फन करेंगे थोड़ा सा। तो हाँ तो जाए उठा दें उसे, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। छोटी छोटी हो जाएगी यार, मैं देखता हूँ। लाया, सो रही है, जाग रही है। ला यार, तो यार ये तो सो गई है। सो गई है तू, कैसी चल रहा है? तो चलें जी, अभी मिलते हैं आपको खाने पे, देखते हैं क्या क्या बनाया उन्होंने। तो छेड़ने के लिए तो शायद इन्हें बुरा लग गया किचन में बाहर, लेकिन मैंने जो ना सिर्फ मजाक किया था। बाहर हर चीज़ बनाती हैं, सब करती हैं, वैसा वो नहीं है। अलाया, आपको खेलना नहीं है? कल आपको इतना मज़ा आया था। हाँ, सॉरी, आप कल आपकी आंखों पट्टी बांध के हम खेल रहे थे। है, नींद आ रही है मेरे बच्चे को? नींद आ रही है? अच्छा चलो सो जाओ, थोड़ी देर में उठोगी तो फिर खेलना ना, सही है? सो जाओ, चलो ठीक है। चले भाई, इनको भी थोड़ी देर सोने देते ताकि थोड़ी इनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी ना, उसके बाद हम लोग खेलेंगे इनके साथ कुछ ना कुछ, क्योंकि इनको बस जो ना कुछ खेलना होता है मेरे साथ। आजकल अक्सर अमूमन घर में हूँ तो कम आना जाना होता है, ज़ाहिर अपने कुछ बिजी कामों में लगा हूँ मैं, तो बस उस काम में बिजी हूँ, तो इस चक्कर में कभी शाम में जल्दी होता हूँ या दिन में, तो इनको लगी होती है कि बाबा आप मेरे साथ कुछ ना कुछ खेलें कभी कहीं। इनको आजकल तो खैर भी थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, ठंडा मौसम था, शाम में पार्क भी नहीं लेके जा रहा। तो बहरहाल आजकल घर के ब्लॉग बन रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो चले मिलते हैं फिर खाने पे। अलाया, उठ जाए बेटा, खाना नहीं खाना? उठो, शाबाश, आ जाओ, हाथ धो के आओ, गुल्ली करके आओ, शाबाश। हाँ भाई, अब खाते हैं खाना। ये आ गई चटनी, प्याज, और ये आ गई दाल। से खाने का दाल चावल, हाँ उसकी तो बात ही अलग है, थोड़ी सी चटनी दे दें। तो ये बन गया बाइट। तो भाई खाना खा लिया एंड फहीम बाहर चले गए। वो हमेशा गए खाना खा के अपने फ्रेंड्स में चले जाते हैं, कभी टीवी देखते हैं। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली एंड चाय के साथ मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ आपके साथ एक बात करूँगी कि भाई हमारे व्लॉग घर के हो रहे हैं बहुत टाइम से। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे डे बहुत बिजी जा रहे हैं, हमें दिन में काम होते हैं, उसके बाद हम फिर भी टाइम निकाल के वीडियोज़ बनाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा से वैसे ही व्लॉग आप लोगों को मिलेंगे, जिसे हम बाहर जाएंगे एंड चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और पार्क को विज़िट करेंगे एंड मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आपके साथ रेस्टोरेंट शेयर करेंगे, शॉपिंग पर जाएंगे, वो दिखाएंगे आपको। बहुत जल्द ऐसे व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर में भी एक शादी की तकरीब स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। बट आप लोगों को अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे साथ, इस व्लॉग के साथ जो हम घर में बना रहे हैं। बट मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को ये व्लॉग भी बहुत पसंद आ रहे हैं, आप सब देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं हमें, एंड मुझे बहुत खुशी इस बात की। तो बस मैं यही कहूँगी कि आ जाएंगे बहुत जल्द तफरी वाले व्लॉग एंड बाहर विजिटिंग वाले व्लॉग। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ एंड मैं चाय भी पी रही हूँ, आप लोग पियेंगे चाय। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू है तो, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।